बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर, दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। इब्तिदा में बता दूं कि वीडियो दो हिस्सों में तकसीम होगी और ये शायद थोड़ी सी बड़ी हो सके क्योंकि हैपनिंग इतनी ज़्यादा है। तीन तो इस वीडियो के अंदर मैंने वीडियो आपके साथ शेयर करनी है। इससे बड़ी कोई खबर होगी कि इस टेंशन के माहौल में 7,000 मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ने वाला हाइपरसोनिक मिसाइल रशिया ने फायर कर दिया है। जी हां, उसकी वीडियो शेयर किया। कहा जाता है सिर्फ 5 मिनट में वो लंदन शहर को नीस्तो नाबूद कर सकता। वो वीडियो क्या है वो आपको बतानी है। दूसरी इसी खबर के अंदर एक और खबर यह है इस वीडियो के अंदर कि चेचन जो जंगजू हैं, जाबाज हैं, वो एक नए शहर के अंदर दाखिल हुए। उनका स्पेशल फौजी दस्ता, उसकी वीडियो, रमजान कादरोव की परमिशन किस तरह और अल्लाह अकबर के नारे किस तरह आ रहे हैं और फिर वो रात गए दाखिल कैसे हुए हैं, वो तमाम मनाजिर और फुटेजेस मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर दिखा दिए। तीसरी और अहम तरीन चीज यह कि रूसी फोर्सेज ने यूक्रेनी जंगी जहाज, जंगी बहरी जहाज पर कब्जा करने का दावा किया और उसकी वीडियो भी मैं आपको इसमें दिखाने जा रहा हूं कि किस क्वालिटी का और गिफ्ट बाय हु, किसने तोहफे में दिया हुआ था। जी यूरोप के किस मुल्क ने तोहफे में दिया था वो जंगी बहरी जहाज जो रूस के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था, समंदरी हदूद से वो पकड़ा है, उसकी कैप्चरिंग की तस्वीर और रूसी फोर्सेज के उसके अंदर दाखिल होने की तस्वीर और वीडियो वो आपके साथ मैं शेयर कर दिए। जी मज़ाकरात का दौर, यह मैं भी इब्तिदा में बता देता हूं, वो आज तक के लिए मुअत्तल कर दिया गया था कि आज फिर मंगल के दिन, ट्यूसडे के दिन ये तमाम मज़ाकरात के दौर को दोबारा से उसके कोई ड्राफ्टिंग से मुतल्लिक कोई उसका आगाज होगा। अच्छा, ये सब चीजें हैं। रूसी वजीर खारजा की कतरी वजीर खारजा से मुलाकात हुई है। जी वो कतर जिसको भी कुछ रोज पहले ही या चंद हफ्तों पहले ही नॉन नेटो अलाय का दर्जा दिया है अमरीका ने, उसके वजीर खारजा से सरगई लारोव की मुलाकात हुई है। वो कितने इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहे। इसके अलावा एक दूसरी चीज बड़ी पक रही है और मुझे लग रहा है कि ईरान के हवाले से कुछ बड़ा होने जा रहा है। किस हद तक जा सकते हैं ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जो मेरे पास इतलात हैं, टॉप इंटेलिजेंस चीफ जो है इसराइल का, वो इस वक्त पेंटागन में बैठा हुआ है। IDF इसराइल डिफेंस फोर्स का डिप्टी चीफ वो बैठा हुआ है। इसके अलावा एक है जनरल तल कलमान, ये इंचार्ज है ईरान के खिलाफ तमाम ऑपरेशंस का, ये इस वक्त पेंटागन बैठा हुआ है। कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है मुलाकातें, तमाम की तमाम आपके सामने गोशे गुजार कर देते, सब आपके सामने रख देते। हमेशा एक तरह रिक्वेस्ट है कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा, चैनल देख रहे हैं तो और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें और कमेंट सेक्शन पर जरूर आगाह कीजिएगा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि चैनल देख रहे हो सब्सक्राइब कर दें तो ये भी थोड़ी डिटेल सुन लें कि जो इस वीडियोस को मैनेज करते हैं ना, वो हमारे जो टीम का मेंबर है वो कह रहे हैं कि सलमान भाई व्यूज़ बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो लोगों ने शायद, लोगों को पता नहीं है बटन कैसे प्रेस करना, तो प्लीज़ वो बटन प्रेस कर दें तो अच्छा रहेगा। डिटेल्स एक के बाद एक आपके सामने रख देता हूँ और सबसे पहले ये सुन लीजिए, दोनों न्यूज ही। रशियन कतरी फॉरेन मिनिस्टर डिस्कस यूक्रेन सिचुएशन इन मॉस्को, ठीक है जी। सरगई लारोव अल्थानी डिस्कस इवेंट्स लीडिंग टू वॉर इन यूक्रेन एज वेल एज पॉसिबल सोल्यूशन टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, इस मसले को हल कैसे करना है इस सिलसिले में। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कतर के वजीर खारजा का, मॉस्को के अंदर सरगई लारोव से ये मुलाकात जो कर रहे हैं। और इसमें यह जहन में रखना है, नॉन नेटो अलाय है कतर, नॉन नेटो अलाय है कतर के पास, पूरा मैंडेट है नेटो का या अमेरिका का, जो चीज़ें डिस्कस होने जा रही है तो बड़ा इंपॉर्टेंट तसव्वुर किया जा रहा है इस सिलसिले में। और कहा जा रहा है कि ये कोई अच्छी पेशरफ्त का पेश खैमा ज़रूर बन सकता है। उसके पैरेलल दूसरी जो चीज़ें हैं ना वो तो है, ये खबर मैंने आपको दे दी और ये भी बता दिया कि कतर की इस वक्त इंपॉर्टेंस कितनी है। रूस के जो गैस की जो ब्लॉकेज देगा, जो यूरोप को बंद करेगा गैस, नेचुरल गैस, उसका कोई ऑल्टरनेट इस वक्त दुनिया में इमीडिएट है तो वो कतर है, LNG की शक्ल में। कतर दुनिया का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है LNG का, तो यूरोप को यहां से रसाई मिल सकती है कतर की वजह से। तो हर लिहाज से कतर का स्ट्रेटजिक जो इसका महल्ले वकू है और इस सूरत हाल में कतर एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है, तो इसका वजीर खारजा का उधर मौजूद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, कुछ चीजें और जरा सुन लीजिए। कल से मुतालिक मैंने आपको बताया था कि पहली बार वो जो मज़ूम और मसलूम किस्म के यूक्रेन का इम्पैक्ट आता है ना,
उसमें अचानक हुआ कि बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन ने फायर किए थे डोनेट्स्क के इलाके में, और उसमें नुकसान कितना होता है, मैंने बिल्डिंग्स विल्डिंग्स तो मैंने आपको दिखा दी थी, और तबाह बैलिस्टिक मिसाइल्स के पुर्जे भी दिखा दिए थे, उसके खौल भी दिखा दिए थे। अब रशियन अथॉरिटी कंफर्म करिए मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के 20 अफराद इसके अंदर मारे गए हैं, उसमें यूक्रेन, क्योंकि डोनेट्स्क है यूक्रेन के अंदर लेकिन यहां रशिया टिल्ट इन्फ्लुएंस ज्यादा, तो 20 अफराद मारे गए हैं इस बैलिस्टिक मिसाइल के स्ट्राइक के अंदर। तो 20 अफराद की मरने का एक धचका रूस को इधर मिला जी। अभी आगे आगे चीजें देखिए, मैं आपको कितनी जबरदस्त बताने लगा हूं। अच्छा, इसमें ना एक और चीज बड़ी मजेदार है, रशिया का एक जहाज है जी, और उस जहाज का नाम है SU-25। मैंने कहा था इसमें वीडियो ज्यादा होगी, SU-25। इस SU-25 से मुतल्लिक यह है कि ये दोबारा ल्यूनिनेट्स AB आफ्टर टेकिंग हैवी डैमेज, इसके ऊपर ये हमला करने गया, उसके ऊपर जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल फायर किए यूक्रेनी फोर्सेस ने, जो अमेरिका और बरतानिया ने उनको दिए थे। ये जहाज किस हालत में पहुंचा है जरा इसकी हालत देखिए जरा जी, अपनी बेस पे ये देखिए जी। क्या हालत देखिए, मोजेसे से कम है ये, मोजे से कम है ये जहाज उतरा है, और इसकी वीडियो कुछ और नहीं रशिया ने ही शेयर किया। ये देखें, ये जहाज वापस लैंड सेफली कर गया, ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। उसके परों से लेके उसकी हर जगह मुकम्मल तौर पर छन्नी नजर आ रही। पहले ये वीडियो जारी की तो मैंने कहा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये रशिया के उस जहाज का हाल है जिसको, जो कह रहे हैं ना कि एयर डिफेंस सिस्टम उनका काम नहीं कर रहा, एयर डिफेंस सिस्टम दोबारा से एक्टिव हो चुका हुआ जी। ठीक है जी, ये आपको वीडियो आपने देख ली, अब मैं इसके साथ थोड़ी कंप्लीट देख ले। देखिए इंजन तक जख्मी है जी, इंजन के आपने पर तक देखे वो तक जख्मी है जी। बहरहाल ये एक वीडियो हो गई, दूसरी वीडियो मैंने आपको दिखाई, आखिर में मैं आपको एक दो चीज़ें और दिखा देता हूँ जी। ये है जी बहरी जहाज, इसका नाम है रशियन फोर्सेस कैप्चर्ड यूक्रेन फाइटर शिप बेरेंट्सिक, द शिप वॉज अबैंडन्ड बाय यूक्रेनियन मरीज अ फ्यू डेज अगो। अच्छा जी, ये ले जी, ये यूक्रेन के बहरी जहाज के ऊपर कब्जा किया, ये यूक्रेन का बहरी जहाज है और ये रशियन फोर्सेज है जी जो इस बहरी जहाज के अंदर दाखिल हो रही है। एक बार फिर से देख लें जी, ये बड़ा स्ट्रांग इम्पैक्ट है जी, स्ट्रांग इम्पैक्ट है, और ये भी ऑफिशियली शेयर हुई है रशिया की तरफ से, तो इसलिए मैं आपको कंफर्म करके भी बता रहा हूँ जी। और ये इलाका है बर्डेंसिक, इनके नाम थोड़े से इसी तरह के होते हैं, बर्डेंसिक का इलाका है जहाँ रशियन फोर्सेज कैप्चर्ड यूक्रेनियन शिप। ये हो गया जी, अब बैलिस्टिक मिसाइल की आखिर में वीडियो आपको दिखाता हूँ। पहले दर ये चीचन जो कमांडोज पहुंचे हैं ना, स्पेशल फोर्सेस पहुंचे, चीचन स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स एंटर्ड मैरियोपोल एट नाइट एंड बिगन टू क्लीन अप टू द सिटी फ्रॉम द बंदीरा फ्रॉम नेशनल बटालियंस, उन फौजियों से मुकम्मल यूक्रेन के फौजियों से क्लियर कराने के लिए। जरा देख ले जी वीडियो, मुझे अच्छी लगती है वीडियो आपके साथ शेयर करना, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कोई इराक के बदले पूरे कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है शायद यूक्रेनियन से ये यूक्रेनी फौजियों पे हमला करके ये अफगानिस्तान के को बदले पूरे कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो नॉन नेटो होने के बावजूद अमेरिका और उसके इत्तेहादी फोर्सेस के ने जब जब किसी मुस्लिम मुल्क पर हमला किया है उसमें इनके मरीज यूक्रेन के कमांडो जरूर शामिल होते थे, 7,000 तो इराक में थे और इसी से मिलती जुलती अमाउंट के साथ अफगानिस्तान में भी थे जिन्होंने मुसलमानों को मारना एक नेट प्रैक्टिस के तौर पर इस्तेमाल किया, यानी अपने असलों के ऊपर से जंग उतारने के तौर पर इस्तेमाल किया। इराक में तो कहा गया कि बहुत सी खवातीन के साथ बेहुर्मती हुई और वहां बुचर्स कहलाते थे ये लोग जी हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं ये वीडियो सारी आपके साथ करता हूँ। ये रमजान कादरोव की तस्वीर है, इनकी अकीदत देखें, इनसे प्यार देखें, लोग किस तरह इनके साथ इजहार कर रहे हैं, और ये बीच में ये मैरियोपोल पहुंचे जी। ठीक है जी, है ना इंटरेस्टिंग वीडियो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं
उम्मा के हवाले से किसी किस्म का कोई बदला पूरा कर रहे हैं। अब आ जाता हूं जी उस फुटेज की तरफ जी। यह है जी रशियन रिलीज फुटेज ऑफ 7000 माइल पर आर, किलोमीटर नहीं मील पर घंटा की रफ्तार से हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल एटमी वॉरेड ले जाने वाला मिसाइल कुड हिट लंदन इन 5 मिनट्स। ये देखे जी मुख्तलिफ एंगल से एक ही वीडियो है, यह रशिया ने भी रिलीज किया, तो मैंने कहा मैं आपको भी बता दूं। ये देखे 5 मिनट लंदन को हिट करने में सिर्फ 5 मिनट रिक्वायर्ड है इसको। ऐसे ही नहीं नेटो डरावा, ऐसे नहीं अमेरिका उसके ताबी डरे हुए, इसका पूरा बैराज भेजे तो एक आधा तो लगेगा ना अगर एयर डिफेंस सिस्टम रोक ले। तो ये रशिया ने इस मौके पर रिलीज किया है वीडियो अपनी, हाइपरसोनिक मिसाइल न्यूक्लियर मिसाइल 7000 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाला। तो ये वो चीज़, और एक चीज़ मैंने आपसे बताना ही, वो तो मैं इस सारी गुफ्तगू के दौरान मैं आपको डिस्कस करना ही भूल गया जी। इसराइली जो जनरल है तल कलमान, वो पहुँचे हैं इस वक्त वाशिंगटन में पेंटागन में जी, ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान के ये इंचार्ज हैं। इसके अलावा अहम तरीन मिल्ट्री मुलाकातें हैं इसराइल की ईरान से मुतल्लिक कहा जा रहा है। इसराइल का इंटेलिजेंस चीफ इस मुलाकात में मौजूद है, IDF का डिप्टी चीफ मौजूद है पेंटागन में, और ये उस मौके पर हो रही है कि 2 दिन पहले इराक में अमरीकी कौंसल खाने और जो इसराइल है उसकी सीक्रेट सर्विस की एजेंसी मोसाद उसके ट्रेनिंग कैंप को उड़ाया है। उस मौके पर जब कहा जा रहा है कि इस वीक में ये डील फाइनल होने जा रही है वियना में, उस मौके पर ये मुलाकात है, उस मौके पर ये मुलाकात है जब आज की तारीख में ईरानी वजीर खारजा रूस का दौरा करने जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ बड़ा पक रहा है। आपको क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।